प्रणाम मित्रों, मैं गीता भौमिक भौमिक की भक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आपके समक्ष एक नए विषय की जानकारी के साथ एक वीडियो पेश कर रही हूँ। आप सभी से विनती है, कृपया वीडियो को संपूर्ण देखकर कमेंट के माध्यम से बताएं जानकारी कैसी लगी आपको। भगवान राम और लक्ष्मण की मृत्यु कैसी हुई, जानिए पौराणिक कथाओं के अनुसार। भगवान राम का जन्म मानव के रूप में हो तो गया था, लेकिन उनकी मृत्यु होना असंभव हो रही थी, परंतु कालचक्र को बनाए रखने और चलाने के लिए जरूरी था कि प्रकृति का नियम नहीं बदले। इसलिए भगवान श्री राम ने अपनी मृत्यु का समय तय किया और अपनी मृत्यु के लिए कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी और धरती पर जीवन अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी काल देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण लेने आने से डर रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान श्री राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है और महाकाल से उनके आराध्य भगवान श्री राम के प्राण छीनने की हिम्मत न तो किसी काल में थी और न ही किसी अन्य देवता में। इसलिए काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम का मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान श्री राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिराकर हनुमान जी को उस अंगूठी को ढूंढने के लिए पाताल लोक भेज दिए। हनुमान जी को अयोध्या में ना देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर भगवान श्री राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के वेश में यमराज भगवान श्री राम से मिले और भगवान राम से वचन लिया कि हम दोनों की बातों को गुप्त में रखा जाए और कोई भी हमारी बातों को सुनेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने उन्हें वचन दिया और सभी द्वारपालों को बाहर भेजकर लक्ष्मण को द्वारपाल पर रहने का आदेश दिया। उसके बाद उस संत ने अपना असली रूप दिखाया और भगवान श्री राम को बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ और आपसे ही मुझे यह काम मिला है कि इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और यह मेरा धर्म भी है। और मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे यह कहने आया हूँ कि आपको जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था वह समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं को विष्णु रूप में आपको देखकर उनमें उत्साह की लहर भर जाएगी। और यमराज बोले, हे प्रभु, आपको कुछ समय इस पृथ्वी लोक पर अगर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल के पास दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे और लक्ष्मण को बोलने लगे कि हमें भगवान श्री राम से मिलना है अभी तुरंत। लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को बोला कि भगवान राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप देने लगे कि अगर हमें भगवान से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर रख दूंगा। इस पर लक्ष्मण जी उनके श्राप के भय से सोचने लगे कि अगर मैं इन्हें प्रभु राम जी के महल में जाने दे दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। इस पर विचार करने पर लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को प्रभु श्री राम जी के महल में जाने
की इजाज़त दे दी। भगवान श्री राम यमराज के बीच की वार्तालाप भंग होने के कारण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। तब लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और भगवान विष्णु के निवास स्थान शिशागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम ने भी इसी तरह सरयू नदी में जाकर अपना जल समाधि ले और अपने परधाम को चले गए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को शेयर कर जय श्री राम लिखकर कमेंट कर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। जय श्री राम।